बीकानेर से एक बड़ी खबर मिल रही है जहां पर कॉलेज छात्रों के लिए एक ये बड़ी खबर है। यहां पर 4 लाख स्टूडेंट्स को राहत मिली है। जो फीस वृद्धि थी वो वापस ले ली गई है। इसे लेकर आंदोलन भी हुए थे और तमाम छात्र संगठन कर रहे थे, चाहे बीपीपी हो, एनएसयूआई हो या एसएफआई या ईसा हो। मैस 100 रुपये बढ़ेगी ये बताया गया। वीसी भागीरथ सिंह की पहल से ये डेडलॉक जो बना हुआ था वो टूट गया। एनएसयूआई, एबीवीपी और एसएफआई के प्रतिनिधियों से बातचीत हुई, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा था पहले। लगातार आंदोलन चल रहे थे और इसके बाद में ये फीस बढ़ोतरी का छात्र आंदोलन अब खत्म हो गया है। लक्ष्मण राघव जी मीडिया संवाददाता लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जानकारी उनसे लेते हैं और लगातार इस खबर को वो कवर भी करते आ रहे थे। लक्ष्मण, पिछले काफी दिनों से काफी क्लोज की सिचुएशन थी कैंपस के भीतर। तमाम छात्र संगठन एक मांग को लेकर एक साथ बचरते ना हो, लेकिन मांग उनकी एक ही थी। अब ये स्थिति कम से कम खत्म हो जाएगी। निश्चित तौर पर राहुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि पूरे संभाग के कॉलेज कहीं ना कहीं से प्रभावित थे, छात्र प्रभावित थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो फीस वृद्धि हुई थी वो तकरीबन 3 गुना थी। तो ऐसे में जो है तालाबंदी लगातार की गई, आज भी तालाबंदी वहां पर की जा रही थी। तो यूनिवर्सिटी में तालाबंदी हो तो आप समझ सकते हैं कि छात्रों में राहत है। संभवतः उसी के मद्देनजर सारे छात्र संगठनों के जो प्रतिनिधि है, एसएफआई, एनएसयूआई और एबीवीपी, उनसे बातचीत लगातार हुई। और वीसी भागीरथ सिंह की मौजूदगी में जब आज वार्ता हुई तो डेडलॉक टूटा और अब ये तय हुआ है कि 100 रुपए मात्र की वृद्धि की जाएगी। और इस पर जो है छात्रों नेताओं में सहमति बन गई है। एक तरह से छात्र आंदोलन अब समाप्त हो गया है, ये कहा जा सकता है। तो कुल मिलाकर संभाग के तकरीबन 4 लाख छात्र छात्राओं के लिए एक बड़ी खबर है कि उनकी फीस में 3 गुना वृद्धि नहीं होगी, 100 रुपए ही बढ़ेगी। बहुत शुक्रिया लक्ष्मण आपका इस जानकारी के लिए। लक्ष्मण राघव संवाददाता।